हेलो एवरीवन दिस इज राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका फेसबुक का पेज है और आपका इंस्टाग्राम का पेज है दोनों पे आप चाहते हैं कि आपका जो पोस्ट हो वो एक ही साथ पोस्ट हो जाए और आपको दो अलग अलग जगह पे भी डालना ना पड़े और ये जो पोस्ट है वो पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट हो मतलब आप चाहते हैं कि अभी आप पोस्ट डालें मगर कल सुबह ग्यारह बजे आप चाहते हैं कि वो शेड्यूल्ड रहे तो ये कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि फ़ेसबुक बिज़नेस सूट करके एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए फेसबुक बिज़नेस सूट वो डाउनलोड करने के बाद में आपका यूज़र आई पासवर्ड डाल दीजिए फेसबुक का तो आपके अकाउंट में जितने भी पेजेस हैं जो आप मैनेज कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे तो मेरे अकाउंट में ये सब पेजेस दिखा रहा है जो हमारा कंपनी मैनेज करता है तो इस पेज पे मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे मैं मैं पे पे पोस्ट क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे वो दिखाएगा कि कौन सा कौन सा अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक है मतलब फेसबुक अकाउंट से इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है कि नहीं है वो दिखाएगा अगर ये आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट लिंक है कि नहीं है या आप लिंक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ तो आपको लिंक करने के लिए यहाँ पे सूट का आइकन होगा राइट right कॉर्नर में उस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद अगर मेरा अकाउंट लिंक नहीं होता तो ये यूजर आई डी पासवर्ड में से मांगता इंस्टाग्राम का और लिंक करने का फिर ऑप्शन दिखाता जैसे ही मैं यूजर आई पासवर्ड डालूंगा वो लिंक करने का एक बटन देगा जिसपे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट लिंक हो जाएगा तो अभी पहले से लिंक है इसलिए मैं लिंक नहीं करता हूँ और मैं बैक जाता हूँ फिर से पोस्ट पे तो यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाता हूँ पोस्ट पे जाने के बाद मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ क्लिक करते ही वो पूछेगा कि आपको पोस्ट में कंटेंट क्या डालना है या कैप्शन क्या डालना है तो कैप्शन तो में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो भी मुझे डालना है अभी फ़ोटो कौन सा डालना है वो पूछ रहा है वो तो फ़ोटो मैं यहाँ पे नीचे जाके एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे पोस्ट करना है तो फिलहाल के लिए ये फोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे पोस्ट करना है ये करने के बाद में अब मैं ये शेड्यूल करना चाहता हूँ मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही और पर्टिकुलर डेट को ही ये पोस्ट दिखे दोनों जगह पे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि पब्लिशिंग ऑप्शन करके तो वहाँ पे पब्लिश नाउ करके है और शेड्यूल लेटर करके है शेड्यूल लेटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आज का डेट सेलेक्ट करता हूँ और सुबह ग्यारह बजे का टाइम सेलेक्ट करता हूँ जिस टाइम पे मुझे पब्लिश करना है तो जैसे ही मैं आज का डेट और ग्यारह बजे का टाइम सेट करूंगा तो यहाँ पे शेड्यूल्ड फॉर टुडे एट 11 करके आ गया और मैं जैसे ही शेड्यूल पे क्लिक करूँगा ये जो मेरा पोस्ट है वो शेड्यूल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये पोस्ट कल ग्यारह बजे मतलब आज सुबह ग्यारह बजे दिखने लगेगा दोनों भी अकाउंट पे मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी तो ये पोस्ट जो था वो मेरा मैंने शेड्यूल कर दिया है जैसे ही सुबह ग्यारह बजेंगे तो ये दोनों पोस्ट ये एक जो पोस्ट मैंने डाला है वो दोनों अकाउंट पे मेरे दिखने लगेंगे तो इस तरीके से आप आपके कोई भी पोस्ट शेड्यूल करके रख सकते हैं या आप एक महीने का कैलेंडर जो है वो पहले से ही डिसाइड करके रख सकते हैं और सभी पोस्ट आपके शेड्यूल करके रख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है तो अगर ऐसे वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा थैंक यू